नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग जो दुष्कर्म को अंजाम देने वाले की उम्र 14 साल बताई जा रही है, हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका गया है। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को 14 साल के नाबालिग ने अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने के बाद बच्ची का शव झाड़ियों में फेंक दिया गया था। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुकमा दौरे पर रहे उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत कई स्कूलों के 90 छात्राओं को साइकिल वितरित किया। मंत्री लखमा ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल सुकमा के 16, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल सुकमा के 32 और कन्या शिक्षा परिसर सुकमा के 42 छात्राओं को साइकिल वितरित की। साइकिल वितरण के अवसर पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बालिकाएं क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और कई गणमान्य मौजूद रहे। वहीं उम्र 55 का दिल है बचपन का, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मगर ये इस कहावत का दूसरा नजारा आपको बालोद बाजार जिले के गिरौदपुर पुलिस चौकी में देखने को मिलेगा, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग और 40 वर्षीय अधेड़ युवा द्वारा छेड़खानी और जाति सूचक गाली देने का मामला गिरौदपुरी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मामले में गिरौदपुरी चौकी में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर इन पर SC ST एक्ट और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही साथ आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी का नाम भुवनेश्वर और मारुति पटेल बताया जा रहा है, दोनों ही गिरौदपुरी के निवासी हैं। एक आरोपी की उम्र 70 साल बताई जा रही है और दूसरे की 40 साल बताई जा रही है। कन्या आश्रम की अधीक्षिका द्वारा चौकी आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपीगण मारुत नंदन पटेल एवं भुवनेश्वर डरसेना जबरन छात्रावास में घुसकर उनके साथ गाली गलौज छेड़खानी जाति सूचक गाली देकर धक्का मुक्की किए हैं। की शिकायत पर अपराध क्रमांक 222 धारा 451 354 506 34 कायम कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना दौरान इसमें SPSC जोड़ा गया है। वहीं राजनांदगांव जिले में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। SP प्रफुल्ल ठाकुर के दिशा निर्देश में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन हुआ। आपको बता दें कि समापन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में SP प्रफुल्ल ठाकुर मौजूद रहे, वहीं एडिशनल SP लखन पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। इसके साथ ही SDOP प्रभात पटेल और थाना प्रभारी सुरेंद्र सवंडकार वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मैच समाप्त होने के बाद अतिथियों के हाथों विजेताओं को विनर कप, नगद राशि और प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया। तो बताते चले कि 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें SP प्रफुल्ल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विजेताओं को नगद राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और जिसकी अध्यक्षता एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने की। इस दौरान सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। विगत दो दिवस से यहाँ पे खरग डोंगरगढ़ सब डिवीजन में हम लोगों ने फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत कबड्डी का आयोजन किया था। इसमें तकरीबन 45 से 50 टीमों ने हिस्सा लिया और निश्चित ही इसमें जितने भी टीमों ने हिस्सा लिया अपने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और डोंगरगढ़ की जो टीम यहाँ पे प्रथम स्थान हासिल की, निश्चित उनका खेल काफी प्रशंसनीय रहा, काफी देखने लायक रहा। मैं भी पूरा मैच का आनंद लिया। ऐसे आयोजन से निश्चित ही लोगों का जो रुझान है खेल के प्रति बढ़ता है, साथ ही एक पुलिस के साथ जुड़ने का अवसर भी मिलता है। कई लोग जॉब ओरिएंटेड भी रहते हैं और उनके लिए निश्चित एक प्लेटफॉर्म है। वहीं मंदसौर जिले से एक बड़ा ही दर्दनाक मामला सामने आया है जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामला नीमच जिले के मनसा के ग्राम बर्डिया का है जहां एक परिवार कार से मंदिर में मन्नत के कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। वहीं वापस लौटते समय एक कंटेनर से कार की टक्कर हो गई जिसके बाद मौके पर एक ही परिवार के एक बच्चे समेत तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, साथ ही चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें से दो महिलाओं को उदयपुर रेफर किया गया, वहीं दो लोगों का इलाज मंदसौर जिला चिकित्सालय में जारी है। सर, ये मन्नती अनुमंतिया में रतलाम जिले में मन्नत में गए थे सब लोग, डिजायर गाड़ी थी और वहां से मन्नत करके लौट रहे थे मनसा, बैडिया के रहने वाले सभी। सर मुझे इतना बता के कंटेनर चल रहा था आगे तो वो उसने टक्कर मार दी गाड़ी को। एक्सीडेंट हुआ था डोडर के पास में, टोल टैक्स के बगल में। वहां पे तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी और पांच तो घायल थे, उसमें से एक की डेड बॉडी तो अपने यहाँ पर ही है, जो बच्चा है 4 साल का, वो बाकी दो धुंधड़गढ़ में है। वहीं बरमकेला में पूर्व सिंचाई मंत्री शक्राजीत नायक की स्मृति में फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ राजगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने फीता काटकर किया। इस प्रतियोगिता में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वैसे तो खेल के नाम से बरमकेला प्रदेश में जाना जाता है, क्रिकेट प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों में सामाजिक समरसता और समाज के प्रति प्रेम भाव खेल के प्रति पैदा करना है। आज बरमकेला में स्वर्गीय डॉक्टर शक्राजीत नायक जी की स्मृति में एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ आयोजित किए गए हैं जिसका आज शुभारंभ है और ये टूर्नामेंट प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें बड़े इनाम की राशि रखी गई है, लगभग पहला इनाम 1,11,000 की इनाम है, सेकेंड इनाम 55,000 की इनाम है और इसमें पूरे प्रदेश की बड़ी बड़ी टीम भाग ले रही है। मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उनका ये आयोजन सफल रहे और ये टूर्नामेंट निर्विघ्न रूप से सफल हो। जी हाँ, बरमकेला हमारे नगर में बहुत ही दिनों के बाद डॉक्टर शक्राजीत नायक की स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें आज ओपनिंग में रायगढ़ की ब्लास्टर टीम एवं सारंगढ़ से हेमंत इलेवन के मैं है जिसके बीच आज मैच होना प्रारंभ हो गया है और आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रकाश भैया एवं सभी जिला कांग्रेस एवं सारंगढ़ विधानसभा एवं रायगढ़ विधानसभा के लोग पहुंचे हुए हैं। वहीं सिवनी जिले के बखारी गांव में एक 60 साल की महिला की संगीत कार्यक्रम में नाचते समय गिरकर मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि शादी समारोह में संगीत कार्यक्रम चल रहा था और डांस के दौरान अचानक ही महिला डांस फ्लोर पर गिर गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टर के अनुसार महिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। बताते चले कि संगीत कार्यक्रम में नाचते वक्त एक महिला की मौत हो गई है। डॉक्टरों ने महिला को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई है। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर डांस करते वक्त लोगों की आजकल हृदय गति रुकने की वजह से मौत हो रही है। और इसकी एक तस्वीर सिवनी जिले से भी सामने आई है, जहां पर महिला की डांस करते वक्त मौत हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के तहत किए हस्ताक्षर। नवीन पाठ्यक्रम लागू करने पर अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सवशासी महाविद्यालयों में 4 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम लागू होगा। हेमचंद और अटल बिहारी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम लागू होगा। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के तहत हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब 4 वर्षीय उपाधि कार्यक्रम जो है वो प्रदेश में लागू होगा। नवीन पाठ्यक्रम लागू करने पर यह हस्ताक्षर किए गए हैं। बताते चले कि हेमचंद और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में ये नीति लागू की गई है। नवीन पाठ्यक्रम लागू करने पर अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हेमचंद और अटल बिहारी विद्यालय में ये पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। खबर बड़वानी से है, जहां डायल 100 वाहन पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा लोगों से गाली गलौज कर महिलाओं से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ युवाओं ने पुलिसकर्मी का वीडियो भी बना लिया और थाने पहुंचे और आरक्षक यशवंत बामनिया पर FIR कर निलंबित करने की मांग की है। हाँ, ये कस्बा अंजड़ के बाहर जो ससाड़ मोहल्ला है, वहाँ एक इवेंट आया था 100 डायल, तो वहाँ पे 100 डायल में जो तैनात है 100 डायल भी गई थी, तो वहाँ पे कुछ वहाँ के जनता का ये कहना है कि आरक्षक द्वारा अभद्रता और इसका व्यवहार किया है, तो उसकी एक शिकायत मिली है। उसमें मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया है और जैसा होगा जांच में पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोपहर में पत्रकारों से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बताते चले कि राज्य सरकार की विफलताओं को इस दौरान वो गिनवाएंगे। इस दौरान धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पत्रकारों से बातचीत करेंगे। इस दौरान वो राज्य सरकार की विफलताओं को भी गिनवाएंगे। इस मौके पर धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो रायपुर में आज पूर्व सीएम डॉक्टर रमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और राज्य सरकार की जो भी विफलताएं हैं उन्हें पत्रकारों के सामने रखकर सारी बातें रखेंगे। वहीं बेमेतरा जिले के ग्राम खैरी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और मामले में नाबालिग आरोपी के साथ राहुल नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग और राहुल ने मुंगेली निवासी आनंद की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
आनंद को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घटनास्थल पर पुलिस को धमकाते हुए और हत्या के लिए सुपारी लेने की बात कहकर महेश निषाद को फंसाने के लिए हाथ से लिखी पर्ची छोड़ दी थी। साथ ही पर्स में 2-3 फोटो भी छोड़ रखा था। वहीं नाबालिग आरोपी और राहुल साहू ने हत्या करने के बाद अपने दोस्त शेष नारायण उर्फ साजन से फोन पर हत्या के बारे में बात की थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और मोबाइल जब्त कर लिए हैं। वहीं आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। कल सुबह नवागढ़ थाना खैरी गांव में एक अज्ञात शव मिला है, जिसके बारे में शिनाख्त नहीं हो पाई। तो उसके हाथ पे जो नाम लिखा है आनंद करके, उसी आधार पर और घटनास्थल पर एक पर्ची मिला है जिसमें महेश निषाद के नाम से सुपारी देने के नाम का उसमें जिक्र किया गया है। इन दोनों चीजों को लिंक करके आसपास के जो फुटेज है और साइबर टावर सेलफोन टावर्स के एनालिसिस के आधार पर हमें ये नतीजे से पहुंचे हैं कि जिसने मारा है वो इस महेश निषाद से कुछ कई तो कनेक्टेड है। तो बताते चले कि बेमेतरा में अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ आरोपियों के पास से जो हत्या में चाकू और मोबाइल फोन का जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसको पुलिस ने बरामद किया है। बताते चले कि ये आरोपियों ने हत्या को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए एक फर्जी नोट भी रखा था, साथ ही साथ पर्स में 2-3 फोटो भी छोड़ी थी। लेकिन पुलिस ने सारे मामले की टीम का गठन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और मोबाइल को भी पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद कर लिया है। वहीं एमसीबी जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जनकपुर में वन विभाग की ओर से डिपो क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 13 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है और आदिवासियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। मामला एमसीबी जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां वन विभाग के द्वारा आज अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में बुलडोजर चलाकर 13 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसको लेकर बीजेपी के महामंत्री रामचरित द्विवेदी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की ठंड में जहां लोगों को रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे समय में कांग्रेस के नेताओं के इशारों पर वन विभाग के द्वारा गरीबों का मकान में बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्षेत्र का रिहायशी इलाका है, वो कंपार्टमेंट लगा हुआ है, तो उसको अतिक्रमण से मुक्त कराना था ताकि हम लोग के पर्यावरण को भी सुरक्षा मिल सके, हम लोग का सोच था इसमें। अब पहले से भी जो किए थे उनको 2-2-3-3 बार नोटिस दिए जा चुकी है, तो उसके तहत हम लोगों ने वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस हमले के विशेष सहयोग के तौर से हम लोगों ने अतिक्रमण घटाया है। कुल 30 अतिक्रामक थे, उन लोगों में से 13 का हम लोग 17 का कर चुके हैं और 13 का बचा हुआ है। वन विभाग के द्वारा अब पुलिस विभाग को एक सूचना दिया गया था कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक सहयोग की मांग की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में थाना जनकपुर, किल्हारी, कोटाडोल और इत्यादि मेरे सब डिवीजन मनेंद्रगढ़ के स्टाफ, पुलिस स्टाफ आए हुए थे और आकर के फॉरेस्ट विभाग को अतिक्रमण तोड़ने के लिए सहयोग प्रदान किया गया है। दूसरी ओर जनकपुर जिस तरह से जो इस ठंड के समय में जहां पर लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, रैन बसेरा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे समय में अगर यहाँ के कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर अगर गरीबों का मकान गिराया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जनकपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अधिकांशतः वहाँ आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं और अगर उनका मकान इस समय गिर रहा है तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लोग किस आधार पर काम कर रहे हैं, किस नीति पे काम कर रहे हैं। आज जो वन विभाग के द्वारा जो कार्यवाही किया गया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब यहाँ नए घर बना रहे थे तो वन विभाग का सोए हुए थे पट्टी लगा करके, उन्होंने तो देखा होगा ना कि यहाँ पे घर बनाया गया है। और इस पर मैं घोर निंदा करती हूँ आज का कार्यवाही का,
और मैं शासन प्रशासन को मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह से एक तरफ से उनके एक तरफ से पट्टा बांट रहे हैं और एक तरफ से घर गिराया जा रहा है, का शासन के जनता के साथ में यही दूरी नीत किया जाएगा? वहीं अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर क्लब बार को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बताते चलें कि बार बार सवाल उठने से भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कामरो खुद सवालों के घेरे में आ रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी की नेत्री मान रही हैं कि शहर के हर होटलों में शराब खुलेआम बिक रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्री का परिवार खुद होटल के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। शहर में संचालित ग्रीन पार्क क्लब बार के लाइसेंस और अवैध शराब को लेकर विधायक गुलाब कामरो खुलकर मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर कार्यालय में चल रही साप्ताहिक बैठक में पहुंचकर किसी एक जगह में बिक रही शराब को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं के विरोधाभासी बयान से शराब को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं महेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का यह कहना है कि बीजेपी के लोग शराब की दलाली कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से शराब छत्तीसगढ़ आ रही है, कहीं न कहीं अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था सवालिए निशान पर है। वहीं बीजेपी के नेता रामचरित द्विवेदी ने कहा कि गुलाब कामरो के करीबी और महिला कांग्रेसी नेता के होटल में शराब बिकती है और ग्रीन पार्क क्लब में भी विधायक विनय जायसवाल के करीबी लोग शराब का अवैध धंधा करते हैं। वाहवाही बटोरने के लिए हमारे जो क्षेत्र के दो विधायक हैं गुलाब कामरो और माननीय डॉक्टर विनय जायसवाल जी, विनय जायसवाल जी का एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शराब यहाँ महेंद्रगढ़ में आके बिक रही है। ये देख लीजिए जो विधायक हैं उनकी स्वीकारोक्ति है कि विधायक के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए, पुलिस के अधिकारियों के रहते हुए अगर मध्य प्रदेश की शराब महेंद्रगढ़ में आके बिक रही है तो इसके लिए कौन दोषी है? जनता को बरगलाने का जो प्रयास कर रहे हैं विधायक जी, बंद करें। ग्रीन पार्क की जो लगातार शिकायत मिल रही है उसके संबंध में मैं आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया हूँ कि तत्काल वहाँ पर जाएं, देखें कि मापदंड के अनुसार वहाँ पर है या नहीं। मध्य प्रदेश की जो वहाँ की दारू आ रही है ऐसी शिकायत मिल रही है, वो भी हमने अधिकारी को निर्देश दिया है। अगर इस प्रकार की अगर शिकायत मिलेगी और लगता है कि जाँच में अगर सही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यहाँ तो हर होटल में बिक रही है शराब, तो इसको रोकने के लिए आप लोगों ने कोई प्रयास किया? हर जगह अगर शराब बंद हो जाएगी तो हम भी बंद कर देंगे। आप कौन से पद पे हैं? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। तो आपने, आपको पता है कि यहाँ पे शराब बिक रही है क्या? नहीं, हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती। अब आप कैसे करें अगर हम शराब को पकड़ना छोड़ दें? अगर अवैध शराब मध्य प्रदेश से आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दलाल हैं शराब के, जो दलाल हैं जो वहाँ भी पसरे हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी पसरे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में पसरे हुए हैं, क्या इनके ऊपर कार्रवाई हम कम कर दें क्या? अगर हम 99 कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस की तो पीठ थपथपाने की बात है ना। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।